बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, रिवीजन पर दोबारा आपके पास आए हैं। लेकर आपने रिवीजन करना है या आपको आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। हम हिंदी पहले भी कर चुके हैं लेकिन इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, रिवीजन में कर रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह इसको याद कर सकें। सबसे पहले आपका एक्सरसाइज है हिंसों में हिंदी लिखिए, ठीक है। हिंसों में लिखना है लेकिन सबसे पहले हम इसको यहाँ गिनेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम अपनी गिनती लिखेंगे उर्दू में। सबसे पहले हमारे पास है ए, कितने सेव है ये ए, तो हम यहाँ पे गिनती लिखेंगे ए एक, ठीक है। फिर हम गिनेंगे, देखते हैं आगे क्या है, कितने सेव है एक दो, दो है तो हम गिनती उर्दू में लिखेंगे दो दो, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं कितनी है, एक दो तीन, तीन सेव है तो हम गिनती उर्दू में लिखेंगे ऐसे तीन, दो में एक शोशे बनते हैं, तीन में दो शोशे बनते हैं। उसके बाद हमारे पास है, अब देखते हैं कितनी गिनती, एक दो तीन चार, अब हमारे पास है चार सेव तो अब हम लिखेंगे चार को उर्दू में गिनती चार, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे चार को, ठीक है प्यारे बच्चों। पहले एक सेप थे, एक सेप था तो एक गिनती लिखी, फिर दो था एक दो तो दो गिनती लिखी, एक दो तीन तो तीन लिखा, फिर एक दो तीन चार तो फिर हमने लिखी चार की गिनती। अब आगे देखें, एक दो तीन चार पाँच, अब हमारे पास हो गई पाँच, ठीक है। चार के बाद आता है पाँच तो हम पाँच को गिनती में लिखेंगे हिंसों में इस तरह, ये हमारी उर्दू में पाँच है, ये उर्दू का पाँच है, ठीक है। इंग्लिश में फाइव बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास पाँच के बाद देखते हैं कितनी गिनती आई, एक एक दो तीन चार पाँच छः, पाँच के बाद जो गिनती आती है वो होती है छः, तो हम छः को हिंसों में लिखेंगे छः, ये हो गया छः, एक दो तीन चार पाँच छः। अब हम फिर सेव गिनेंगे, कितने सेव है हमारे पास, एक दो तीन चार पाँच छः सात, छः के बाद सात, गिनती में आया छः के बाद सात। अब सात आपने कैसे लिखना है, यू लाएंगे फिर यू, ये है सात, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, अब हम फिर सेव गिनेंगे कि हमारे पास कितने सेव हैं, अब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सात के बाद गिनती आती है आठ, उर्दू में आठ और इंग्लिश में तो आपको आता है एट, तो ये सात के बाद जो गिनती आएगी वो आठ है, हमने सेव भी गिन लिए आठ है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हिंसों में, ठीक है आठ, फिर गिनते हैं हम कितने सेव हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यानी कि आठ के बाद जो गिनती आती है वो है नौ, यहाँ पे हम नौ बिल्कुल नाइन की तरह नौ लिख देंगे। फिर से पढ़ लेते हैं, एक सेव तो एक लिखा, दो सेव तो दो लिख दिया, तीन सेव तो तीन, चार चार, फिर पाँच छः सात आठ नौ, अब आखिर में देखते हैं कौन सी गिनती नौ के बाद आता है, दस, ठीक है। दोनों हाथ को मिलाएंगे तो हमारे पास दस उंगलियां भी हैं और हम यहाँ से पढ़ेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, अब हम यहाँ पे लिखेंगे दस की गिनती, बिल्कुल वन की तरह बनाएंगे और एक डॉट, ये हो गया दस, ठीक है प्यारे बच्चों। इस गिनती को अच्छी तरह याद भी करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, जब गिनेंगे तो उसके बाद फिर ये लिखेंगे, फिर आपको लिखना भी आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है, आगे आपके पास कुछ तस्वीर बनी हुई है, ठीक है प्यारे बच्चों, पढ़ते भी हैं आप लोग किताब में बुक में, रीडिंग करते हैं, आप
आपके पास तस्वीर होती है, उस तस्वीर से पहले उसका हर्फ होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है तस्वीर का पहला हर्फ लिखिए, तो ये है हमारे पास सेब। सेब है तो सेब का पहला हर्फ कौन सा होगा? सेब। ध्यान में आ रहा है आपके? सेब आता है सीन से, सीन से सेब। पढ़ चुके हैं ना आप लोग सीन शीन, एक ही खानदान का, तो सीन से सेब। अब ये है हमारे पास, ये एक सब्जी है, इस सब्जी का नाम है शलजम। शलजम, तो आप खुद सोचिए, शीन, जैसे सीन है वैसी शीन, शीन के ऊपर तीन नुक्ते, तो ये शीन से शलजम। सीन से सेब, शीन से शलजम। शलजम पूरा लफ्ज है, एक सब्जी है, लेकिन इसका पहला हर्फ शीन है। इसी तरह सेब एक चीज है, फल है, उसका पहला हर्फ है सीन। अब हमारे पास है सुराही। सुराही किससे आता है? जी हाँ, स्वाद से सुराही। ये है सुराही, स्वाद से सुराही। एक दफा और पढ़े, सीन से सेब, पहला हर्फ है सेब का सीन। शीन से शलजम, शलजम का पहला हर्फ शीन। स्वाद से सुराही, सुराही का पहला लफ्ज, पहला हर्फ स्वाद। अब हमारे पास हुरूफ की आदि अशकाल लिखिए। पहले हमने हुरूफ की आदि अशकाल से मिलाया था स्केल की मदद से, अब हम उसको लिखेंगे। अब आपने लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये सबसे पहला है हुरूफ टे, फिर है नून, शीन, फे, लाम, हे, ये, और ये है हलवा वाली हे। तो अब इसको देखते हैं कि इसकी आदि अशकार कैसे लिखते हैं। आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है और आप पहले पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है प्यारे बच्चों। सबसे पहले है टे। अब टे को हमने लिखना तो बिल्कुल टे की तरह है, लेकिन आधे मिला के छोड़ना है। ये है टे की आदि अशकार, तो ये बिल्कुल वैसे ही टे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमारे पास नून। अब हम नून की भी आदि अशकार बनाएंगे, यहां तक लाएंगे, आधी छोड़ देंगे, फिर हम डालेंगे इसमें नून का नुक्ता। ये हो गया नून की आदि अशकल। फिर है हमारे पास शीन। अब शीन की आदि शकल देखते हैं। शीन की आदि शकल में आपने यहां लाके शीन, शीन में आते हैं तीन नुक्ते। शीन का ये है शोशा, शीन का हर्फ कंप्लीट। अब ये है शोशा शीन। अब हमारे पास है फे। अब देखते हैं फे की आदि अशकाल, आदि शकल क्या होगी। फे को बिल्कुल फे की तरह, और यहां से लाएंगे करके, और यहां लाके इसको रोक देंगे, नुक्ता डाल देंगे। फे की आदि शकल फ, पढ़ेंगे फ। अब है हमारे पास लाम। लाम की आदि अशकाल है, आदि शकल है लाम, ठीक है। ये लाम, इसकी आदि शकल ये है लाम। अब है हमारे पास गोल वाली है। अब गोल वाली है को जब आदि शकल में लिखेंगे तो बिल्कुल नून की तरह, ये की तरह, लेकिन इसके अंदर ये डालेंगे, ठीक है। हे, ये है हे की आदि शकल। अब है हमारे पास ये से यक्का। ये से यक्का की भी आदि शकल बिल्कुल हे की तरह, लेकिन इसमें दो नुक्ते। ये लास्ट में है, आखिरी हमारा है हलवे वाली है। जीम चे हे फे, सबकी आदि शक्ल एक जैसी बनती है, तो यहाँ पे भी हम आदि शक्ल बनाएंगे हे की ये, ठीक है प्यारे बच्चों। ये थी हमारे पास हुरूफ की आदि अशकाल लिखी। तो आपने बहुत प्रॉपर तरीके से लिखना है। पहले टे है टे की आदि शक्ल, नून है नून की आदि शक्ल, शीन है शीन की आदि शक्ल, फे की आदि शक्ल, लाम की आदि शक्ल ये है, हे की आदि शक्ल, हे की आदि शक्ल, और हरवे वाली हे की आदि शक्ल। बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना है, बार बार लिखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और पढ़ना भी है इसको प्यारे बच्चों। बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत प्रैक्टिस में रहिए, ताकि आप एग्जाम अच्छी तरह दे सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।